सो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई होप आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, लग तो अच्छे रहे दिखने में। सो मैं अभी आया हूँ अपने कॉलेज से। आज कॉलेज में एडमिट कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी, जो कि मेरा नंबर आता 2 घंटे बाद और वो आ गया 2 मिनट बाद, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे। तो मैं बीच में से गया VIP वाली एंट्री लेके, फ्रेंड्स की वजह से मेरे को 2 घंटे की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, विच इज़ वेरी थैंकफुल। एंड उसके बाद बहुत थकान हो गई थी और इतनी धूप हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, और धूप से तो मैं बहुत बचता हूँ क्योंकि टैनिंग हो जाती है। चुप कर बे कुत्ते। और बेसिकली जब बंदा थक जाता है तो वो कहीं बाहर नहीं जाता, उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे। थोड़ा हिंट मिला? मैं बता देता हूँ आपको, मैं जा रहा हूँ जिम। तो मैं जा रहा हूँ 2 महीने बाद जिम, सीरियसली 2 महीने। जो भी गेन हुआ था थोड़ा बहुत सब चला गया और मेरा डोला नहीं आया। वे मेरा डोला नहीं आया, डोला वे मेरा डोला नहीं आया, डोला। सो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, अभी मैं थोड़ा रेडी होऊंगा। प्री वर्कआउट में मैंने अपना बनाना शेक पी लिया है और 2 महीने बाद जा रहा हूँ, तो 5 किलो का डंबल 50 kg का लगेगा मेरे को। आई नो स्टार्टिंग में होगा, 2 वीक में सब कुछ सेटल हो जाएगा। इस बार मैंने सोचा है कि एकदम प्रॉपर डाइट लूँगा, अच्छे से डाइट लूँगा ताकि गेन अच्छे से आए। पिछली बार मैंने जब जिम किया था तो मैंने डाइट में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, इस वजह से मेरे को गेन नहीं आया। और वैसे भी सबकी बॉडी तो सेम होती नहीं है और आई एम अ हार्ड गेनर, तो मे बी दैट वाज अ रीज़न। कल मैं अपनी जिम देखकर आया था, सारे इक्विपमेंट्स पूरे चेंज हो गए हैं फुल। जब न्यू इक्विपमेंट्स होते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है करने में। तो ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी आया हूँ मैं नज़ीर से रोल लेने। भैया क्रिस्पी चिकन रोल 3, क्रिस्पी चिकन रोल 3 रोल क्रिस्पी चिकन। और अब कितना लग जाएगा टाइम? अब रॉक 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा रोल। मैं अभी इतने दे रहा था ऑर्डर तो मेरे दोस्त का फोन आया, वो आपने देखा होगा पहले। निम्टा दोसरस टेल मी हर तबुश क्रैक कोई किनिम्बो। और भाई मैं वीडियो कॉन्शियस और फोटो कॉन्शियस थोड़ा, तो ये थोड़ा शर्म आता है। ठीक है, तो मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। दो बनाना शेक। तो फाइनली जिम से आ गया हूँ, अभी फ्रेश वगैरह होऊंगा। और 2 महीने बाद के गैप पे गया तो थोड़ा अच्छा लगा। मतलब जब आपको वर्कआउट की जब आदत लग जाती है ना, आपको एक लत लग जाती है, तब आपको वर्कआउट छोड़ने का मन नहीं करता, आपको एक्सरसाइज करने। और जो सुबह जो पेन होने वाला है ना, यह है बहुत प्यारा पेन होने वाला है। और तो मैं होऊंगा अभी फ्रेश, फ्रेश के बाद लूँगा अपनी डाइट, डाइट के बाद थोड़ी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि अब आने वाले एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में लगने वाली अच्छी तरह। 2.5 किलो का हाथ को पूरी अच्छी तरह बनाना। इस बार आपको एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा मेरे में, और मैं लेके आऊँगा इस बार, क्योंकि इस बार मैंने प्रॉपर सोच रखा है डाइट में, एक भी ऊपर नीचे नहीं करना है कुछ भी। टाइम पे प्रॉपर डाइट लेनी है, मील्स लेनी है,
प्रॉपर 4-5 मील्स लेनी है एंड एक्सरसाइज और साथ साथ पढ़ाई, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क है। सो आई हैव टेकन शावर एंड माई मील। तो और हाँ, जो मैं रोल्स लेके आया था, आपको लग रहा होगा मैं अपने लिए लेके आया हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लिए लग रहा होगा कि ये जिम के बाद रोल खा रहा है यार, नहीं नहीं नहीं, वो रोल मेरे लिए नहीं थे, वो मेरी सिस्टर ने मंगाए थे। सो मैं जब अभी नहाकर आया था तो मेरे बाल बहुत ही मतलब ऐसे बिखरे बिखरे लग रहे थे, तो मेरी मम्मी ने कहा कि इन बाल को ना जाके कटवा ले। मैंने कहा व्हाट, सॉरी मैडम, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। शाबाश बेटा, इस बार थोड़ा नया लुक ट्राई करना है मेरे को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।